तूनी और रानो नामी दो सहेलियाँ रहती थीं। दोनों एक ही घर में रहती थी। तूनी चिड़िया जहीन और अकलमंद थी, घर के हर एक काम में दिलचस्पी लेती, जबकि रानो चिड़िया जिद्दी, घमंडी और बेवकूफ़ थी। ना किसी के काम आती और ना ही किसी का कहा मानती। एक दिन तूनी चिड़िया गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी अम्मा के घर जाने का इरादा करती है। रानो चिड़िया, आज हम नानी अम्मा की खरीद कुछ आते हैं, वो काफी बीमार है। हम एक तो इनकी खरीद दरियाफ्त कर आएंगे, दूसरा कुछ दिन वहाँ छुट्टियाँ गुजार आएंगे। तूनी, तुम खुद ही जाओ, मैं नहीं जाना चाहती नानी अम्मा के पास। एक तो वो डांटती बहुत है, दूसरा काम बहुत कराती है। मैं तो एक ही बार जाकर तंग आ गई हूँ। ऊपर से वो इतनी नसीहतें करती हैं कि बंदा बोर हो जाता है। अरे नानी डांटी कब है, वो तो बहुत प्यार करने वाली और इतनी अच्छी है। तुमने अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मैं खुद ही इनकी खरीद पूछ आती हूँ। इतना कहने के बाद तूनी वहाँ से निकल आती है। कुछ देर चलने के बाद उसको रास्ते में एक अकलमंद तोता मिलता है। तूनी बहन, क्या हाल है, आज हमारे जंगल में क्या कर रही हो? खैरियत तो है, आज इतने अकेले ही इधर आ गई हो? रानो चिड़िया नहीं आई तुम्हारी साथ, वो भी बड़े दिन हो गए नजर नहीं आई। कुछ न बुझवाई, मैं आज अकेले ही अपनी नानी अम्मा की खरीद पूछने चली आई हूँ। काफी अच्छा हो गया उनकी तरफ चक्कर लगाए हुए। अच्छी बात है, अपनी नानी अम्मा का ख्याल रखो, वो बहुत बीमार रहती हैं और तुमको बहुत याद करती हैं। चलो तूनी, आज मेरे साथ चलो, आज मुझे बहुत काम है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो और मेरी गाय को नहलाने में मेरी मदद करो। इसके बाद तूनी चिड़िया तोते के साथ चली जाती है, वो इसकी मदद करती है। दोनों मिलकर गाय के इर्द गिर्द पड़ा गोबर और कचरा साफ करते हैं। इसके बाद वो गाय को नहलाते हैं। तूनी तोते को काम करवाने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद तूनी एक दरख्त पर बैठ जाती है। क्या देखती है कि वो दरख्त तूनी से बात करने की कोशिश कर रहा है। वो तूनी से कहता है, तूनी बेटा, मेरे पास से ये गंदगी और पत्ते साफ कर दो, लोग मेरे नीचे बैठते हैं और गन डाल कर चले जाते हैं। अच्छा दरख्त भाई, मैं आपके आस पास से सफाई कर देती हूँ, ताकि जो शख्स भी आपके पास आए आपको साफ सुथरा पाए। इसके बाद तूनी चिड़िया दरख्त के आस पास से पत्ते और कचरा भी साफ कर देती है। दरख्त बहुत खुश होता है और तूनी को दुआएं देता है। तूनी इसको अलविदा कहने के बाद वहाँ से भी चली जाती है। अभी तूनी चिड़िया थोड़ी दूर ही जाती है, उसको एक काला कौवा मिलता है। दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें, तुम अकेले किधर जा रहे हो, बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए। आज खरीद तो है, तुम किधर को जाती हो? मैं नानी अम्मा बीमार है, मैं आज उनकी खरीद पूछने के लिए जा रही हूँ और गर्मियों की छुट्टियाँ भी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके पास गुजार आऊँ। अच्छा, अच्छी बात है, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे अब्बा जान भी बहुत बीमार हैं, मैं इनकी दवाई लेने जा रहा हूँ। तुम बोल गई, सोचा तुम्हारी खरीद पूछ लूँ। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? वो तो अच्छे भले थे, पिछली गर्मियों में इनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत अच्छे थे। अचानक इनको क्या हुआ, इनकी उम्र तो नहीं बीमार होने वाली? कुछ न पूछो तूनी, वो शक्कर बहुत पीते हैं, इसलिए इनको बीमारी लाख होगी। हम तो बहुत मना करते मगर वो हमारी एक नहीं सुनते। तूनी, तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा हो जो उनको दी जाए और उनकी शरबत पीने की आदत छूट जाए? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक दवा है जो कि मैंने एक चिड़क को दी थी, है ना अपना टुन्ना चिड़ा, बहुत सिगरेट पीता था। मैंने उसको एंटी स्मोकिंग गोलियां दी, वो सुबह शाम खाता है, अब उसकी आदत छूट रही है। तुम भी अपने पापा को ये गोलियां दो, उनके भी सिगरेट पीने की आदत छूट जाएगी। जो तूनी, आज मैं दवा लाने के लिए जा रहा हूँ, साथ में वो गोलियां भी ले आऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद काला कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कभी के जाने के बाद तूनी चिड़िया को बड़े से पत्थर से आवाज आना शुरू हो जाती है।
तने मेरा भी एक काम कर दो। मेरे इर्द गिर्द बहुत छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, क्या तुम इनको साफ कर सकती हो? क्यों नहीं मेरे भाई, मैं अभी करती हूँ। इसके बाद तोनी पत्थर के इर्द गिर्द पड़ा सारा कचरा और पत्थर साफ कर देती है। इसके बाद तोनी चिड़िया अपनी नानी अम्मा के घर पहुँच जाती है। इसकी नानी अम्मा उसको देख कर बहुत खुश होती है। मेरी प्यारी जान, कैसी हो तुम? आज नानी की जान को मेरी याद कैसी आ गई? मैं आज ही तुमको याद कर रही थी। किधर है वो रानो, वो नहीं आई तुम्हारी शाह? एक दफा का जिक्र है, तूनी चिड़िया काम से वापस घर को जा रही थी। रास्ते में उसको एक आम का बाग नजर आता है। तूनी इस बाग में उतर जाता है। तूनी ने देखा कि बाग में दरख्त ताजा ताजा आम लगे हुए हैं। अभी तूनी एक आम को तोड़ कर खाने ही नहीं है। अचानक एक बाग का मालिक खड़ा कर आम पहुंच जाता है। ओए नाजान, कौन हो तुम और मेरे बाग में क्या गा रही हो? आम तोड़ रही हो? दिन का खाना क्या करते हैं? बाग नहीं, मैं क्या करूँ, यहाँ तो आम नहीं मिलते। अगर तुमको आम खाने का इतना ही शौक है, इसकी कीमत पता कर दी होगी, वरना यहाँ से चलती बर और आईना में इस बाग में हर दिन नजर न आना। अच्छा गवे भाई, आप नाराज क्यों होते हो? मैं चली जाती हूँ और आईना इस बाग में कभी नहीं आऊंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारी भी मुराद पूरी होगी और अपने बाग में आम के मजे ले रहे होंगे। इसके बाद तूनी चिड़िया वहां से उड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको रत्तो मासी नजर आता है। रत्तो मासी के पास एक टोकरी पड़ी होती है जिसमें बहुत ज्यादा आम होते हैं। अरे रत्तो मासी, कैसे हो तुम और आज यहाँ पर खड़ी किसका इंतजार कर रही हो? और आज लगता है इस टोकरी में जो आम पड़े हैं वो बिके नहीं। खैर तो है काला, कुछ परेशान लग रही हो? खैर ये है टोनी बेटा, आजकल हालात बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं मंडी से शेर इस दाम में खरीद कर लाती हूँ, आगे वो इस दाम में बिकते ही नहीं। हर परिंदा आम को सस्ते दामों में खरीदना चाहता है। ऊपर से ये टोकरी उठा उठा कर मेरी भी कमर में टूट गई है। क्या तुम ये टोकरी थोड़ा दिन उठा सकती हो? क्यों नहीं रखू मासी, भला ये भी कोई बात हुई, मैं भी उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? रास्ते में चलते चलते रत्तो खाला तूनी को बताती है। मेरा शो बेटा था, अल्लाह ताला को दोनों प्यारे हो गए, इसलिए अब मैं अकेली ही घर रहती हूँ। तूनी रत्ती मासी की गाड़ी सुनकर बहुत उदास हो रही है। जाते जाते रत्तो मासी तूनी को कुछ आम देती है और इसको नसीहत करती है। देखो बेटा, ये आम तुम्हारा इनाम है, इनको खाने के बाद इनकी गुठली को जमीन में बो देना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम्हारे बोए हुए बीज से बहुत उमदा उमदा पौधे निकलेंगे, जो आगे बढ़कर बहुत बड़े आम के दरख्त बन जाएंगे और इस तरह करते करते तुम्हारा अपना बाग खड़ा हो जाएगा। तूनी घर आती है और इनाम को खाने के बाद इनकी गुठली को जमीन में बो देती है। तूनी दिन रात मेहनत करती है और इनको पानी दे दिया जाए। एक दिन तूनी क्या देखती है कि जमीन से आम का पौधा निकल आता है। तूनी बहुत खुश होती है, वो इसको पानी देती है और इसे खूब खाता है। कुछ अरसे बाद वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है और एक एक इस पर बहुत मीठी मीठी आम भी लग जाते हैं। तूनी इनको बेचकर बहुत ज्यादा मालदार हो जाती है। इसके बाद तूनी रत्तो मासी को भी अपने घर ले आती है और इसकी खूब खातिर मुबारक करती है। अब तूनी और रत्तो मासी दोनों एक ही घर में रहते हैं। इस तरह तूनी अपनी मेहनत से एक बाग बनाने में कामयाब हो जाती है। अब उसको कवे के बाग में भी जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने बाग से आम खाकर खुश हो जाता है।
अल्लाह ताला ने उसकी मुराद पूरी कर दी थी। अब वो रत्तो मासी के साथ बहुत खुश होती है।